वर्ल्ड के मार्केट में लगातार गैस पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों को उसकी तकलीफ भी होती है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके अनुरूप आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है हमारे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा, और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो इसमें ऐसा है कि मेरा प्रयास ये है कि मैंने अर्बन मंत्री पुरी जी को रिक्वेस्ट की है कि हमारी महानगर पालिका में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने हमारे यहाँ मथुरा में हाइब्रिड एन्यूटी में 80 MLD स्लज को कन्वर्ट करके वो शुद्ध पानी इंडियन ऑयल को दिया और 20 करोड़ साल के मिलते हैं। मैं जो वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो पानी जो ऐसा गंदा पानी है उसको अच्छा करना और रूफटॉप में सोलर और विंड मिल लगा कर, क्योंकि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है तो पावर सस्ती हो जाएगी। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा, यानी 2 रुपये किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो 1 रुपये किलोमीटर है और पेट्रोल 10 रुपये है, तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर 1.5 रुपये 2 रुपये में हो जाएगी और 70% पावर है। और जब इसमें पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होंगे तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा एक बार तक, विशिष्ट बार तक, तो उसके लिए हम लोग जनरेटर भी यूज़ करेंगे, वो इथेनॉल बेस करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये गाँवों में, शहरों में, नगर परिषद और महानगर पालिका क्षेत्र में ये होगा। दूसरा ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो कचरा है जिसमें ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग करके उस कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके उससे भी ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, ब्लैक हाइड्रोजन है वो कोयले से बनता है और ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से बनता है। तो हमें हाइड्रोजन जो चाहिए वो ग्रीन चाहिए ताकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए ये पहली कार है। इसके स्टैंडर्ड्स भी हमने तय किए हैं और ये जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उसके आधार पर मुझे पता है कि निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनाएंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज होता है, गैस यूज होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा और ये पर्यावरण पूरक है। एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और ये गाड़ी आज पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है हमने शुरू की ताकि लोगों को इसको विश्वास हो, यही होता है।